हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग समुच्चय पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए समुच्चय में हम लोगों ने अभी तक आपको 1.4 तक प्रश्नावली हल करा दी गई है। ठीक है, यदि आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे पूरक समुच्चय। क्या पढ़ेंगे? पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? देखिए, जैसे हमने समुच्चयों में अंतर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? समुच्चयों में अंतर। समुच्चयों में अंतर a माइनस बी, जैसे हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक a है दूसरा b है, तो दोनों में अंतर क्या? a माइनस बी। या इसी प्रकार से हमने क्या पढ़ा है? b माइनस a, दो समुच्चय हैं d और c, d माइनस c। तो ये क्या था हमारा? हमने समुच्चयों का अंतर पढ़ा है। उसी प्रकार से आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है? सबसे पहली बात तो यहाँ हमारे पास दो समुच्चय दिए जाते थे, जब हम क्या निकालते थे? समुच्चयों का अंतर निकालते थे। क्या निकालते थे? समुच्चयों का अंतर निकालते थे। लेकिन पूरक समुच्चय में, जो हम पूरक समुच्चय में निकालेंगे उसमें क्या निकालेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय में से निकालेंगे। किसमें से निकालेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है ना, ये हमारा है सार्वत्रिक समुच्चय। यदि सार्वत्रिक समुच्चय हो और कोई समुच्चय ए दिया जाए, क्या दिया जाए? ए दिया जाए, तो हम लोग क्या निकालें? यदि यू माइनस ए निकालें कि सार्वत्रिक समुच्चय के वे अवयव जो ए में ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोलते हैं, और उसे ए डैश या ए की पावर सी से लिखते हैं। ठीक है ना, ये है हमारा क्या? ए डैश या ए सी, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को घटा दें, क्या दिए हुए समुच्चय को घटा दें, तो जो हमें मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूरक समुच्चय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूरक समुच्चय बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया, माना जो यू है, जो क्या है? यू है, वो क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। किसका है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। और हमने मान लिया क्या? ए। क्या मान लिया? ए। ए जो माना है उसमें क्या माना है हमने? 2, 4, 6, ये हमारा क्या हो गया? सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अगर हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना हो, या हम लोग इसे कहें कि हमें a की पावर c या a डैश ज्ञात करना हो, तो इसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? इसे ज्ञात करने के लिए हमने आपसे कहा कि u के वे अवयव जो u के वे अवयव जो a में नहीं होंगे क्या कहलाएगा? पूरक समुच्चय कहलाएगा। अर्थात हम लोग ये बता सकते हैं कि u के कौन कौन से अवयव हैं जो a में नहीं है। a में कौन है? 2 है 4 है 6 है, मतलब सम संख्याओं का समुच्चय है। तो इन सम संख्याओं को यू में से छोड़ दिया जाएगा, तो कौन कौन सी बचेंगी? 1, 3, 5, मतलब क्या बचेंगी? विषम संख्याएं बचेंगी। तो ये जो विषम संख्याओं का समुच्चय होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग पूरक समुच्चय की परिभाषा लिखते हैं। पूरक समुच्चय की परिभाषा क्या लिख रहे हैं? कि किसी सार्वत्रिक समुच्चय यू, किसी सार्वत्रिक समुच्चय यू में, यू में ए एक उप समुच्चय हो, ए एक उप समुच्चय हो, तो U माइनस A पूरक
समुच्चय, पूरक समुच्चय कहलाता है, पूरक समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। हमने इसे क्या लिख दिया, सीधे सीधे आपको पूरक समुच्चय की परिभाषा हमने सीधे सीधे क्या लिख दिया, यू माइनस ए, ठीक है ना। आप हमेशा क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से ही घटा करके किसी समुच्चय का क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे, ठीक है। इसे ए डैश या ए पावर सी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर आप उदाहरण लिखना चाहें तो उदाहरण हमने यहां आपको दिया है। उदाहरण क्या है हमारे पास, हमने मान लिया है कि जो U है वो क्या है, सार्वत्रिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। A क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है। तो A डैश या A की पावर C जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा, पूरक समुच्चय होगा, उसे इस प्रकार ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। और उदाहरण लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मान लीजिए U बराबर क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ए बी सी डी ई, ये हो गया क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। और हम मान लेते हैं हमारे पास कोई समुच्चय क्या है, ए है, जो क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, स्वरों का समुच्चय। तो हमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री सेट ए डैश ज्ञात करना हो तो हम क्या लिखेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए, यू के वे अवयव जो ए में ना हो। यू के कौन कौन से अवयव हैं, जो व्यंजन बच रहे हैं, बी सी डी एफ, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाएंगे। तो ये रहा आपका क्या, पूरक समुच्चय। तो हम लोगों ने पूरक समुच्चय देखा, अब हम पूरक समुच्चय के वेन आरेख को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए पूरक समुच्चय का वेन आरेख कैसे बनता है, वेन आरेख, ठीक है, वेन आरेख। देखिए हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, एक क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने मान रखा है सार्वत्रिक समुच्चय में क्या, सार्वत्रिक समुच्चय में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय ए बी सी डी, ठीक है ना। और हमने बी में मान रखा है क्या, बी सी डी एफ, मतलब बी में हमने जो मान रखा है वो क्या है, व्यंजनों का समुच्चय है, ठीक है। हमें क्या याद करना है, बी डैश, या हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेट को बी की पावर सी से भी लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यू माइनस बी, ठीक है। तो जो हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। देखिए वेन आरेख कैसे बनाते हैं, वेन आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यू बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यू, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का क्या बनाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, U हो गया, ठीक है ना। ये देखिए हमने क्या बना दिया है, U है, ठीक है। इसमें हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया है B, क्या बना दिया है, B, आप समझे। तो हमने क्या लिखा है, U माइनस B, U के वे अवयव जो B में नहीं है, जो B में नहीं है, अर्थात B में नहीं है, B में नहीं होने का मतलब इस गोले के अंदर जो जो अवयव रहेंगे उनको छोड़ करके, उनको छोड़ करके मतलब ये वाला पार्ट रंगा जाएगा, समझ पा रहे हैं आप। देखिए ये वाला पार्ट रंगा जाएगा, तो जो पार्ट ये रंगा जा रहा है इसे क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ बी, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ बी, या छायांकित भाग को बी डैश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बी डैश, या बी पावर क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, ठीक है। तो ये रहा किसका, पूरक समुच्चय का वेन आरेख, ठीक है। आप इसे दूसरी भाषा में भी बना सकते हैं, जैसे हमने क्या मान लिया है कि ये हमारा क्या हो गया, पूरा यू हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमने जो माना है वो कौन है, ए है, ठीक है। हमने क्या कर दिया है, हमने इसे क्या कर दिया, रंगीन कर दिया, क्या कर दिया है, रंगीन। अब अगर जो रंगीन भाग है उसमें कौन है, यू के तो अवयव है लेकिन ए के अवयव नहीं है, यू के अवयव तो है, यू पूरा है लेकिन ए क्या है, ए अकेला है, लेकिन ए के अवयव जो है वो यू में है, लेकिन हमें यहां जो पूरक समुच्चय में हमने जो छायांकित भाग किया है, छायांकित भाग में सिर्फ वो भाग है जो क्या है, ए में नहीं है, तो ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, ए डैश या ए पावर सी, ठीक है। आइए पूरक समुच्चय के कुछ गुणधर्मों पर भी बात कर लेते हैं हम, गुणधर्म, पूरक समुच्चयों के गुणधर्म। अगर हम लोग देखें कि यदि हम लोगों को पहले गुणधर्म की बात करें कि यदि हमें कोई समुच्चय ए है और उसका हमें क्या निकालना है, ए यूनियन ए डैश, मतलब
किसी समुच्चय और किसी समुच्चय और उसके कॉम्प्लीमेंट्री का यूनियन निकालना हो तो जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। हमने क्या लिखा है? यूनियन लिखा है, ठीक है ना। ए यूनियन ए डैश अगर लिखें तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा? सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हम ए इंटरसेक्शन ए डैश ज्ञात करें तो हमें क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। क्या मिलेगा? फाई। एक भी ऐसा आयो नहीं होगा जो दोनों में क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे देखें, अगले गुणधर्म की बात करें। अगले गुणधर्म है कि यदि ए यूनियन बी, यदि ए यूनियन बी का होल डैश हो, ए यूनियन बी का क्या हो? होल डैश हो, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस प्रकार से भी इसे क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यदि हमारे पास चौथा है, यदि ए इंटरसेक्शन बी बी का होल डैश है, यदि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है तो इसे कैसे लिखा जाएगा? ए ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है ना। ये रही आपकी क्या चौथी प्रॉपर्टीज, ठीक है। यदि हम लोग किसी कॉम्प्लीमेंट्री सेट का क्या किसी कॉम्प्लीमेंट्री सेट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जो उत्तर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? खुद समुच्चय मिलेगा। क्या मिलेगा? खुद समुच्चय मिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं? पांच प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखें, यदि हम लोग किसी रिक्त समुच्चय का क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालें तो हमें क्या मिलेगा? सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया? ए यूनियन ए डैश, हमें आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सार्वत्रिक समुच्चय। ए इंटरसेक्शन ए डैश, फाई कोई भी नहीं मिलेगा। ए यूनियन बी का होल डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश, ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट अगर निकालेंगे तब भी हमें आंसर क्या मिलेगा? ए मिलेगा। और किसी रिक्त समुच्चय का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? यू मिलेगा। वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।